हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल म्यूजिक ट्रेनिंग एकेडमी। दोस्तों, मैं आज फिर एक लेसन लेकर आया हूँ। जो लोग मेरा वो पिछले वाला वीडियो, कॉर्ड सिखाने वाला वीडियो देखे हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा लेसन है, तो आप लोग देखिए। तो पिछले बार मैं स्मॉल कॉर्ड सिखाया था जो कि थर्ड स्ट्रिंग से लेके था। आप लोग अगर जो नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, आज हम लोग सीखूंगा फोर स्ट्रिंग कॉर्ड स्टडी। मतलब आज का जो कॉर्ड मैं बजाऊंगा ये फोर स्ट्रिंग से बजेगा। तो इसमें हम लोग सीखूंगा सी कॉर्ड, एफ कॉर्ड एंड G7। तो एक बार देखिए, एकदम आसान है, आप लोग फॉलो कीजिए मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ। फोर स्ट्रिंग का टू फ्रेट पे टू फिंगर एंड सेकेंड स्ट्रिंग का वन फ्रेट पे वन फिंगर पकड़ के ऐसे करके प्ले कीजिए, ठीक है। इंडिविजुअल एक एक करके जाएगा, फिर जार्क कीजिए। तो एक बार बजा रहा हूं, तो क्या किया मैंने, फोर थ्री टू वन, फिर वही स्ट्रिंग को चार बार जार्क किया ऐसे करके, वन टू थ्री फोर, ठीक है। दूसरा वाला कॉर्ड एफ, तो एफ के लिए क्या होगा, पहले तो मैं स्मॉल कॉर्ड दिखा था, अभी फोर स्ट्रिंग से दिखाऊंगा। तो वही फोर स्ट्रिंग पे अभी जो टू फ्रेट था, अब थर्ड फ्रेट पे पकड़िएगा थर्ड फिंगर, तो ठीक है। थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर और सेकेंड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग का टू फ्रेट एंड फर्स्ट फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग का वन फ्रेट पे ऐसे रख के, और वन फिंगर को फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिंग को ब्लॉक कीजिएगा फर्स्ट फ्रेट पे। मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट एंड सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट पे दोनों, पिछले बार मैं दिखाया था स्मॉल कॉर्ड में ऐसे करके, तो वो वैसे ही पकड़िए। लेकिन इसमें क्या होगा, एक नोट ऐड हो जा रहा है जो कि फोर स्ट्रिंग का एफ, वन स्ट्रिंग का भी एफ है फर्स्ट फ्रेट पे एंड ये फोर स्ट्रिंग का भी, तो ऐसे आ जाएगा तीनों फिंगर। फिर सेम टाइप आगे जैसे स्ट्रोक कीजिए, ऐसे करके फोर थ्री टू वन, फिर फोर से चार बार करके जार। एंड लास्ट वाला G7, इसके लिए एकदम आसान है, खाली फर्स्ट स्ट्रिंग को आप वन फ्रेट पे पकड़ लीजिए, पिछले बार भी सेम था, एंड फोर स्ट्रिंग से स्ट्रोक कीजिए ऐसे करके, वही जाते। तो एक बार मैं दिखाता हूं ये कैसे हुआ, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं बजाना। पहले सी एफ G7 सी, तीन बार किया। तो एक बार फिर देखिए इसको, फिर आगे भी बढ़ना है, तो एक बार अब वही कॉर्ड को ऐसे करके प्लॉकिंग फिर कॉर्ड किया, अब डायरेक्ट कॉर्ड बजाइए, मतलब सी कॉर्ड एफ कॉर्ड G7 कॉर्ड वापस सी। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट अभी बजाऊंगा, पहले सी बजा रहा हूँ चार बार करके, ये वन फोर एट वापस सी G7 तीन बार फिर सी एफ एक बार बजा रहा हूं। तो शुरू में हम लोग क्या कहते हैं, इसके बाद चार बार टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फिर सिक्स
इसको ऐसे उठाने के बाद फास्ट करेंगे। तो फास्ट कैसे करें, फास्ट भी दिखा दे रहा हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
इन द प्रैक्टिस सेंटर। तो मैं फिर नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक इस बार कुछ नया लेके आऊँगा। तो अभी आप लोग जो बिगिनर कॉर्ड सीख रहा था उन लोग के लिए ये छोटा एक प्रैक्टिस था, तो आप लोग करते रहे। और दोस्तों मैं सभी को बोलता हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद लगे तो वीडियो पे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो म्यूजिक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा आप लोग के लिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो चलता हूँ, बाय।